जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बशर अबान, बैरिस्टर हूँ बशर अबान। मैं अभी प्रोटेस्ट के लिए जा रहा था, टेंट में घुसा हूँ और ये मुझे बिला वजह मेरी गाड़ी रोक लिया इन्होंने और मुझे कह रहे हैं कि आप झंडे नहीं लेके जा सकते और आप वापस कर दें गाड़ी। क्यों हम वापस करें? क्यों हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? किस वजह से हम वापस करें झंडे वाली गाड़ी? झंडा ये कोई इंडिया का झंडा है हमारे पास जिसकी वजह से हम वापस करें? और इनको कौन सा नोटिफिकेशन है जो इन्होंने ऊपर से मुझे बता रहे हैं कि ऑर्डर आया हुआ है इनको? मुझे बताएं कौन सा ऑर्डर है आपके पास, दिखाएं मुझे, मैं देख लेता हूं ऑर्डर। क्यों मैं इसे करूं वापस? क्यों मैं करूं? ये वासिफ साहब है, ये साहब है, और ये मुझे बताएं, इनसे पूछा जाए कि कौन सा ऑर्डर है इनके पास जो इनको ऊपर से आया है? ऊपर से कौन है जो इनको ऑर्डर देने वाला है? ये पाकिस्तान का चीफ है या पाकिस्तान के मिनिस्टर है? कौन सा ऑर्डर है जो इनके पास है ऊपर से इनको आया? जो आप वायलेशन कर रहे हैं, हर चीज में वायलेशन करते हैं। आपको किसने हक दिया क्या वायलेशन करें? आप इस तरह नहीं चले करें, गाड़ी साइड पकड़े, इनकी सुनने पीछे वाम को तंग नहीं हमारा काम बनता, हम पिछली वाम को तंग करें, हम ऐसे नहीं है कभी किसी को तंग करें। अब गाड़ी साइड पे कर दें, देख लेते हैं। ये गलत बात है जो आप कर रहे हैं, देख ले, ये गलत बात आप करते हैं, आप ये बात गलत करते हैं कि देख लेंगे। ये रोब हमें ना दिखाएं आप, हम इस रोब को मानेंगे, हम इस रोब को कभी नहीं मानेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं नहीं दिखा रहा आपको, मुझे ये रोब ना दिखाएं। इंडिया से आए हैं हम लोग, ये उतार लेंगे। ये कौन सी हमने तोप लगा ली है? उतारने में क्या 2 मिनट लगेगी? और ये हमने कहा ये ठीक नहीं है, हॉर्न लगा दिए ऊपर, वायलेशन कर रहे हैं यार। पढ़े लिखे हैं लेकिन ये तरीका, हम टैक्स पेयर है। और सबसे बड़ी बात मुझे नहीं पता इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं बैरिस्टर हूँ, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है ये मुझे कानून बताएंगे? मैं टैक्स पेयर हूँ पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूँ, मेरा राइट है यहाँ पे रहना, ये हमारे राइट को इन्फ्रिंज करेंगे ये? चले अब अच्छी बात इनको समझाएं, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, हम अपने मजे से जा रहे हैं, हमें जाने दे, दैट्स इट। झंडे के साथ नहीं जा सकते हम, हम जाएंगे। मुझे नोटिफिकेशन ऑर्डर दिखाएं, जो ऑर्डर आपने कहा था ऊपर से है वो मुझे ऑर्डर दे। कह रहा हूँ कि झंडे के साथ आप नहीं जा सकते, पार्टी को कॉल करेंगे फिर इधर आएगी बात। मैंने आपको झंडो का कहा, मैंने मुझे ऑर्डर दिखाए, आप मेरे झंडे लगे हुए ना, मुझे ऑर्डर दिखाए कि कौन सा ऑर्डर है जो आपके पास है मेरा ये झंडा उतारने का? इसमें मेरी जान है, मैं नहीं उतारता इसको, नहीं उतार। देखें आपको इससे मोहब्बत है कि नहीं? हमें बड़ी मोहब्बत है, जानता भी है ना, हमें मोहब्बत है इससे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी मोहब्बत है हमारी नहीं है, कि नहीं आपको मोहब्बत होती तो एक महीना पहले की ना होता पाकिस्तान में जो हुआ है, कि आपको कोई मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान से भाई, आपको मोहब्बत होती आज वजीरे दफा जो उनका आज उसने बयान दिया अमेरिका ने, उसने कहा कि पाकिस्तान में हमने दो हफ्ते पहले की रिजीम चेंज की है ना, आप लोगों की वजह से हुआ। लोगों को रास्ता दे रहे, लोगों की रास्ता दे रहे, लोगों को रास्ता दे के मैंने नहीं किया है, मैंने आपको बताया हम जाएंगे, हम सिटीजन है, हम इस जगह के रहने वाले, हमारा ये हक है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको जिसने ऑर्डर दिया आप मुझे ऑर्डर दिखाए, ठीक है ना, हम नहीं छोड़ेंगे। ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर सुनाते हैं मुझे, हम भी आपके लिए ये अफवाज पाकिस्तान हमारी जान है, अफवाज पाकिस्तान में हमारा खून धड़कता है, लेकिन यार ये जानबूझ के तंग कर रहे हैं, झंडा लेके नहीं जा सकते, हमारी जान बसती है, ये फौज हमारी जान है, लेकिन इनकी यार हम लोगों ने समझ नहीं है, एक गाली भी नहीं दी, जो गालियां देते हैं उनको ये नवाज़ी बगैर आदमी ने इनको गालियां दी, सरेआम गालियां दी, उनके आगे के लेट गए, उनके आगे के लेटा जान के साथ चले, ये नवाज शरीफ ने इनको सरेआम गालियां दी, मरियम ने इनको सरेआम गालियां दी, ये इनके आगे गंदे आदमी के आगे के लेटे, उस बगैरत के आगे के लेटे। मैं अभी इस वक्त बीमाल सियालकोट में खड़ा हूँ, मेरी अपनी पार्टी से गुजारिश है यहाँ पे पहुंचे, ये सिर्फ और सिर्फ वायलेशन कर रहे हैं, ये जानबूझ के पीट के लोगों को तंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं ये कर रहे हैं। पाकिस्तान ये किसी के बाप की जागीर नहीं, ये पाकिस्तान के रहने वालों की जागीर है, ये पाकिस्तान का हक है, ये पाकिस्तान की जगह है।
मैं सर विक्ट्री वो दूसरी पट्टी है जड़े यार रेस्ट करते हैं भैया जी ठीक है मैं कहता हूं अगर ये पैसे मैं जाता हूं कोई बात नहीं मैं जाता हूं लेकिन ये क्यों कहते मैं अब कपड़ा उतार दूं अपना आपका नाम क्या है बैरिस्टर मुबशर रहमान बशर रहमान सर साहब ने मेरा तार भी दिया बैरिस्टर और मेरी बात करवाए मैं अपना उनको तारीफ कर रहा हूँ जिन्होंने आपसे बात की है पीटीआई वाले झंडे लगाए सर तो जी सर चले सिविल में आता है मसला नहीं है अभी मेरे साथ कोई काफिला नहीं था मैं बस नॉर्मली वीमा लाया हूँ मैंने शॉपिंग करनी थी उधर से गुजर के मैंने प्रोटेस्ट में चले जाना था गंडागर चौक में बिला बजाता हूँ करें गाड़ी वापस कर दें गाड़ी हमें वापस कर दें ये वीडियो इसने लगाया पूरा घंटा हो गया मैंने लेट से बताया था अभी आपको मैंने मैं कह रहा हूँ जो आपने बात की थी कि मुझे ऊपर से ऑर्डर है मुझे ऑर्डर की कॉपी देना कि आपको क्यों ऑर्डर है ये इंडिया का झंडा है मेरी बात करवा दें जी अस्सलाम वालेकुम जी जनाब कैसे हैं ठीक ठाक हैं बैरिस्टर मुबशर रहमान बात कर रहा हूँ आप साहब कौन है मुझे कहते हैं बस आप गाड़ी वापस कर दें गाड़ी वापस ले जाए मैंने कहा क्यों क्या वजह हुई है आप तीन लोग के साथ गाड़ी नहीं लेके जा सकते यार बच्चे इंशाल्लाह यही बच्चे ये हमारे यही बच्चे इंशाल्लाह बहादुर बनेंगे यही अपना फौज पाकिस्तान में जाएंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमें ये फ्रेट करें यार मैंने इनको कह दे मेरे गले में भी झंडा है मेरे जिस्म पे भी झंडा है अब मैं ये शर्ट भी उतार दूं अपनी जी जी सुनाए मैं सुन रहा हूँ आपकी बात जी ठीक है ये लें जी ये पकड़े बात करें जी ये लें बात करें अल्लाह हाफिज जी ठीक है जी ऊपर से जो ऑर्डर था वो हो गया पूरा झंडा कोई नहीं उतरा अल्लाह की मेहरबानी से ये झंडा लगा हुआ है ये हमारी जान है इसमें इंशाल्लाह ताला हम इसमें रहेंगे बफजले खुदा अल्लाह हाफिज और ये हम रूल करेंगे इंशाल्लाह विद इन मंथ इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे बफजले खुदा पाकिस्तान जिंदाबाद नाम तो सर प्लीज बता दें जी लिखें जी